प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को रेलवे स्टेशन स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने रैन बसेरे में शरण लिए यात्रियों में से उनका हाल पूछा। मुख्यमंत्री ने रैन बसेरे में यात्रियों के सामानों को रखने के लिए रखे गए अलमारियों को दुरुस्त करने के लिए रैन बसेरे का देख रेख करने वाले कर्मचारी को निर्देशित किया। साथ ही साथ रैन बसेरे में यात्रियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता को सख्त निर्देश किए। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, करने वाली मशीनियाँ रहे बताइए नहीं होती है कहाँ से हैं आप? अभिनय भाई यहाँ कैसे आना हुआ? रिक्शा देने के लिए आप लोग कहाँ से आए? ठीक है लखनऊ से आ रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं। पुलिस की जो वैकेंसी का जो वेरिफिकेशन चल रहा है सर, हमारा आज वेरिफिकेशन हो गया है लेकिन हमें पता नहीं कि हमारा फिजिकल कब है। हम इसलिए रात में चिंता मत करिए, जल्दी उसके व्यापक मैं बोल भी देता हूँ, प्रचार होगा उसका। सर मेरी बात नहीं, मेरे अभी हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोग कल फिजिकल है कि कब है। हम रात भर उसके लिए रुके हैं, हम नहीं घर जा रहे हैं कि हमारा हो सर इतनी जल्दी सर ये परीक्षा में लेट हो जा रहा है सर, इसके लिए केवल एक दिन में अरे भाई एक ही नहीं परीक्षा, देखिए 22 लाख लोग परीक्षा में बैठे हैं, उसके टेस्ट के बाद फिर उसकी स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद रिजल्ट आने सारी चीजें सर वेरिफिकेशन एक दिन बाद ही फिजिकल कराना सर, ये कहाँ जाए? नहीं एक ही व्यक्ति नहीं है ना, बहुत सारे लोग हैं सर, कल ही हमारा होने वाला है सर ऐसे सर। सर एक और छोटा सा क्वेश्चन, हमारा जहाँ वहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा था सर, उसमें पैनल नंबर 2 में आपकी वजह आपके आने की वजह से वहाँ पे पैनल नंबर 2 के अधिकारी पदाधिकारी जो भी थे शाम को अब्सेंट थे सर, सर आपके आने से प्रॉब्लम बढ़ गई सर हमारे। चलिए ठीक है, और आइए ये लॉकर काम कर रहे हैं यहाँ पे कोई लॉकर काम क्यों नहीं करते हैं? अगर किसी को अपना सामान रखना हो इसकी चाबियां कहाँ हैं? तो ये काम नहीं करती है ये लॉकर, अगर किसी को अपना सामान रखना होगा तो कैसे काम चलेगा? कैसे कोई व्यक्ति अपना सामान को करेगा भाई? देखिए लॉकर रखिए, जितने बेड हों उतने लॉकर भी रखें, लॉकर पे चाबी तैयार करके रखना है। और ये चीजें जो हैं व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए कि लॉकर की चाबी हो और चाबी सुरक्षित हो, इसको देख कर भी इसको व्यवस्थित करें। यहाँ कैसे पुलिस की भर्ती में आए हो? बहुत सुंदर, सभी लोग पुलिस की भर्ती में आए हो क्या? चले बहुत शुक्रिया, हो गया अपना वालों।
सर इसमें हमारी बात हो रही है सर उसके निशान दिखाइए अरे इसको हटाओ तेरह मीटर का निशान तेरह मीटर निशान दिखाइए उसका कहाँ दो मीटर निशान दिखाओ तेरह मीटर का निशान दिखाइए चप्पल चप्पल क्यों नहीं पहना वो हम लोग शिफ्ट कर रहे पड़े सड़क की पट्टियों पर सोने के लिए महसूस मजबूर न होना पड़े रेन बसेरों में उन्हें पर्याप्त जगह मिले यह एक व्यवस्था दी गई है और पर्याप्त मात्रा में रेन बसेरा पूरे प्रदेश के अंदर की बात हो रही है जो चौड़ीकरण हो रहा है। देखिए इसमें सड़क विकास की एक धुरी होती है अच्छी सड़कें अतिक्रमण से मुक्त सड़कें इन सब को बनाने की एक व्यवस्था के लिए पूरे प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। गोरखपुर में गोरखपुर सिटी से मेडिकल कॉलेज का ये रोड 4 लेन का बने फ्रीक्वेंट आवागमन हो सके 65 प्रदेश सरकार पहले ही इन्हें उपलब्ध करा चुकी है और इसी बात के लिए फोकस किया जा रहा है कि आप सड़क बनाइए लेकिन अनावश्यक रूप से किसी को घर उजाड़ना ना पड़े। सड़क के लिए अगर कहीं पर किसी की निजी भूमि या किसी का प्रतिष्ठान आवास आता है तो उसको प्रॉपर कंपनसेशन भी उसका मिल जाना चाहिए जिससे वह अपनी व्यवस्था आगे कर सके। और सड़क भी समाज की आवश्यकता है विकास की प्राथमिक इकाई है इसलिए विकास के लिए अच्छी सड़क चाहिए तो हमें सड़क भी देनी है लोगों के आवागमन को सुगम भी बनाना है लेकिन अगर किसी की ज़मीन सड़क पे आती है तो उसका कंपनसेशन भी उसको अवश्य मिलना चाहिए।